करेंगे बुलेटिन की, और सबसे पहले रुख करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भी दौरे पर रहने वाले हैं, निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान महापौर प्रत्याशियों के लिए रोड शो करेंगे, प्रत्याशियों की जीत के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा जबलपुर में प्रचार प्रसार की कमान संभालेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। आज विदिशा और जबलपुर में प्रचार करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान का चुनावी दौरा है, आज विदिशा जबलपुर में प्रचार करेंगे। सीएम महापौर प्रत्याशी के लिए रोड शो करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे। आज विदिशा जबलपुर में प्रचार प्रसार करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। लगातार सीएम प्रचार प्रसार में डटे हुए हैं, कमान संभाली हुई है, और इसी कड़ी में प्रतिदिन वो अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज भी विदिशा जबलपुर में प्रचार प्रसार करेंगे, कमान लगातार संभाली हुई है प्रचार की, और पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील भी सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज भी जनता से समर्थन मांगेंगे, वोट की अपील करेंगे, पार्टी प्रत्याशियों के लिए जो है लगातार जन समर्थन हासिल करने में जुटे हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं, प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार की कमान संभाली हुई है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। इसी कड़ी में आज विदिशा जबलपुर में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, प्रचार करेंगे पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में, क्या कुछ जानकारी? चौहान 20 जून से लगातार चुनावी प्रचार में है, और सबसे पहला प्रचार उन्होंने भोपाल प्रत्याशी के लिए किया था। मालती राय के समर्थन में उन्होंने जनता से पहली बार अपील की थी, और उसके बाद लगातार प्रदेश के सभी जिलों में पहले तो उन्होंने प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म भरवाने का जो है वो काम किया था, और उसके बाद अब जनता के बीच उन प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। और आज विदिशा और जबलपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। यहाँ पर बीजेपी की जो महापौर प्रत्याशी है उनके लिए मुख्यमंत्री का रोड शो होगा, प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए जनता से मुख्यमंत्री अपील करेंगे, और इसके अलावा उनकी जनसभाएं भी हैं। उन जनसभाओं में मुख्यमंत्री स्थानीय मुद्दों को लेकर जो है बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। पिछले भी दिनों ये देखा गया है कि मुख्यमंत्री कई जो इलाके हैं वहां पे स्थानीय स्तर के विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं, और आज ही इसी तरीके से जबलपुर और विदिशा में मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं रहेंगी चुनावी दौरे को लेकर वो महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा बीजेपी की उन तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी मुख्यमंत्री करेंगे जो इस चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इसके अलावा बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है, जिला प्रभारी बनाए गए हैं, जिला अध्यक्ष है, उन तमाम कार्यकर्ताओं और स्थानीय पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं उन्हें किस तरीके से जनता के बीच जाके, मुख्यमंत्री का लंबा अनुभव रहा है और कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो पहली बार महापौर के पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि वो पहले भी चुनावी मैदान में रहे हैं लेकिन पार्षद तक ही सीमित रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें इस बार भरोसा जताते हुए महापौर का पद दिया है। ऐसे में जनता के बीच किस तरीके से जाना है, जनता कि किन मुद्दों को लेकर जो है बात करनी है, इन तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री जो है प्रत्याशियों से भी चर्चा करेंगे। इससे पहले जो स्थानीय नेता है उन्हें भी जो प्रत्याशी है उनके साथ किस तरीके से समन्वय बना के चुनावी प्रचार को बेहतर बनाया जा सके, जिससे जनता जो 4 जुलाई के बाद जब मतदान का समय आएगा उस वक्त बीजेपी को वोटर्स जो है वो वोट करें, इन तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री की जो है वो चर्चा प्रत्याशी और स्थानीय नेताओं के साथ रहेगी। एक जो सबसे बड़ी बात ये देखने के लिए मिल रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने चुनावी दौरे में जिस तरीके से कमलनाथ की सरकार रही हो या फिर दिग्विजय शासन काल का वो जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी ने लगातार विकास किया है और यही विकास जो है वो आगे बढ़ता जाना चाहिए, इसीलिए बीजेपी को ही वोट देना जनता बेहतर समझे, और इन तमाम बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री सभी सभाओं में अपनी बात रख रहे हैं। तो मोवेश आज भी विदिशा और जबलपुर के दौरे में भी मुख्यमंत्री ऐसी ही बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और महापौर प्रत्याशी को वोट देने की अपील करेंगे। बिल्कुल विवेक जी, जो है लगातार प्रचार प्रसार में डटे हुए हैं और आज भी विदिशा और जबलपुर के दौरे पर रहेंगे, वहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास
तो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला हुआ है, प्रतिदिन वो अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और आज उसी कड़ी में विदिशा जबलपुर में भी प्रचार प्रसार करेंगे, पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसमर्थन हासिल करेंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे।